सर आपका नाम क्या है? करण गंभीर। सर आपकी मथुरा रोड पर फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी हुआ करती थी। हाँ जी। अभी वो कंपनी बंद हो गई क्या? हमने पहले बहुत अपनी उस कंपनी के ऊपर फैक्ट्री चलाई है। हमने कुछ लोन लिया हुआ था बैंक से, उसका डिफॉल्ट होने के कारण वो कोर्ट में भी फंसी हुई है प्रॉपर्टी। अच्छा। तो अभी उसको फंसने के कारण नगर निगम ने अपनी कोई डिमांड रखी है कि ये प्रॉपर्टी की EDC IDC ड्यू है, जिसके कारण उन्होंने भी कोर्ट में अपना दावा लगाया है कि ये प्रॉपर्टी गलत तरीके से ऑक्शन की जा रही है। जो दस्तावेज उन्होंने कोर्ट में लगाए हैं लिक्विडेटर ने बेचने के लिए, वो एग्रीकल्चर करके उसको बेचने की कोशिश कर रहा है। बकायदा हमने भी अपनी इंडस्ट्रियल प्लॉट था वहाँ पर। हाँ जी, इंडस्ट्रियल प्लॉट है, हमने खुद फैक्ट्री चलाई है। अब आप कह रहे हैं नीलामी जब की गई तो एग्रीकल्चर करके कर दी जा रही है, तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा सरकार का। कितना हो जाएगा सरकार का नुकसान? 30 करोड़ का आएगा। मेरा अपना अकेला नुकसान 55 करोड़ रुपये का आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट की फाइल गायब करा दी गई है। जिसने खरीदी है वो खुद वहाँ का एक्स मेयर था म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जिसने फाइल गायब कराई है, और उस फाइल गायब कराने से कोर्ट को के सामने ओरिजिनल कागज़ नहीं आ पा रहे। जो ओरिजिनल कागज़ ये दिखा पाएंगे कि इसका कन्वर्जन इंडस्ट्रियल में हुआ था 1978 में, हमारे पास जितने कागज़ हैं इसके वो सारी फ़ोटो कॉपीज़ हैं बाकायदा, जो हमने टैक्स जमा कराया आज तक इस प्रॉपर्टी के। बदरपुर टोल प्लाजा से पहले वो ज़मीन है, प्लॉट नंबर क्या था? 12/6 दिल्ली मथुरा रोड फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड से नाम। वहाँ आसपास क्या एग्रीकल्चर लैंड है? उस पूरी बेल्ट में एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी नहीं, पूरा इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। टोल प्लाजा से लेके बल्लभगढ़ तक सारी इंडस्ट्रियल यूनिट है। फरीदाबाद के अंदर मेन हाईवे पे कोई इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अलावा और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, सारी की सारी एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टियाँ कन्वर्ट हो गई थी इंडस्ट्रियल में। तो सरकार का टैक्स बचाने के लिए, टैक्स देने से बचने के लिए धोखाधड़ी की गई, एक तरह से चूना लगा दिया गया सरकार, पूरा चूना लगाया। वो तो ये है कि किसी तरीके एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी आधे से आधे भाव में मिल जाए, कि किसी तरीके हमारे को भी पैसे ना मिले जो ओनर था प्रॉपर्टी का, और डिपार्टमेंट को भी पूरी तरीके से ठग लिया गया। तो आपने कहीं केस किया है? इसका बकायदा केस हमने डाला है जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहा है। उसकी डेट आ रही है 21 तारीख को। कोर्ट ने समझ लिया है इस बात को कि ये किसी तरीके धोखाधड़ी से प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर करके बेची जा रही है। कौन सी तहसील में ये रजिस्ट्री हुई, सेल डीड हुई? इसकी सेल डीड हुई है 4 अगस्त को बतकल तहसील में, जो एग्रीकल्चर करके कराई गई है। कोर्ट को नज़रअंदाज अंधेरे में रख के गलत कागज़ दिखा के कि एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कोर्ट से परमिशन लेके इन्होंने कोशिश करी है कि ये प्रॉपर्टी एग्रीकल्चर करके बेच दी। तो आपने क्या मांग की है जो आपने केस किया है? हमने कोर्ट को क्लियर बोला है कि ये प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन खुद भी कह रही है कि ये इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी है। कोर्ट को ये बोला गया है कि जिस पब्लिक नोटिस के थ्रू ये प्रॉपर्टी को पब्लिकेशन की गई थी, इसकी सेल डीड या कोई भी इन्होंने किसी कस्टमर को पब्लिकेशन करी है, सब कैंसिल करी जाए, दोबारा से नीलामी करी जाए इंडस्ट्रियल करके। आपने लोन लिया था इसका? हमने लोन लिया था। कितना लोन लिया था? इस पर 25 करोड़ का लोन लिया था। दे नहीं पाए आप? दे नहीं पाए क्योंकि हमारा प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल थी, हमने लोन लिया था किसी काम पर से, टाइम से लोन नहीं दिया गया तो उन्होंने ऑक्शन पर लगा दी थी प्रॉपर्टी। अच्छा, तो अभी जो है नुकसान हो गया, तो आपने केस कर दिया ताकि जो है सरकार को नुकसान, सरकार के पैसे मिले, जो बकायदा प्रॉपर्टी के बैलेंस पैसे वो मेरे को मिले, बैंक के पैसे बैंक को मिले, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सरकार का नुकसान हो रहा है इस पूरी चीज़ में। 30 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार का। ये प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल है। किस नाम से आपकी कंपनी थी वहाँ पर? वहाँ पे फोर्जिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, 12/6 दिल्ली मथुरा रोड उसका एड्रेस है, और नगर निगम की जुरिस्डिक्शन के अंदर आती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की वो है। उसका बकायदा प्रॉपर्टी टैक्स भी 2018 तक दिया है, आपने दिया है, कंपनी ने जमा कराया है। और तो जो टैक्स दिया जाता था वो इंडस्ट्रियल लैंड के हिसाब से दिया जाता, इंडस्ट्रियल लैंड का ही टैक्स बनता है, एग्रीकल्चरल लैंड का कोई टैक्स नहीं बनता। और जमीन खाली पड़ी है वहाँ पर, खाली पड़ी है, उस पर एक फैक्ट्री का शेड बना हुआ है 25,000 स्क्वायर फुट का। कोई केस वगैरह भी चल रहा है उसका? हमने केस डाला हुआ है कोर्ट को बताने के लिए कि ये गलत प्रॉपर्टी बेची जा रही है, इसका बाजार की रकम कम से कम 125 करोड़ की है, जो 52 करोड़ में बेच दी गई, जिससे नगर निगम का नुकसान काफ़ी हो रहा है। नगर निगम के बकायदा इसमें 24 करोड़ रुपये उन्होंने डिमांड करी है EDC की तरफ से इंडस्ट्रियल की, और इसमें बकायदा स्टैम्प ड्यूटी का भी नुकसान हुआ हरियाणा सरकार से, इसमें कम से कम नहीं तो हरियाणा सरकार और ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का 30 करोड़ रुपये का नुकसान है इसको धोखेधड़ी से एग्रीकल्चर करके बेचने में। और उसमें पूरा हाथ जो खरीदने वाला है वो एक्स मेयर अपना फरीदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, डिपार्टमेंट के साथ मिलकर उन्होंने ये करा, और
हरियाणा सरकार को ठग लिया, मेरा जो नुकसान आप बकायदा आपको कोर्ट की पूरी लैंड है कोई आपके पास है मेरे पास पूरे हैं सारी कोर्ट की फाइल आपको दे दूंगा पूरा बकायदा कोर्ट केस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में चल रहा है 21 सितंबर को उसकी डेट भी आ रही है जिसमें हमने पूरा बकायदा कोर्ट को दिखाया कि फ्रॉड किया है उन्होंने आपस में मिल के पूरा क्या चाहते हैं आप मैं कुछ नहीं चाहता मैं तो दुनिया को ये बताना चाह रहा हूँ कि कैसे आपस में ये मिल के खरीदार और डिपार्टमेंट के लोग मिल के फाइल गायब करा के एक इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो 125 करोड़ की थी वो 52 करोड़ में कैसे तरीके ले ली और 30 करोड़ का हरियाणा सरकार का नुकसान कैसे कर दिया। फरीदाबाद शहर में बड़े बड़े गड्ढे हैं और फरीदाबाद नगर निगम कहता है हमारे पास डेवलपमेंट के पैसे नहीं हैं। तो क्या इसी तरह से फाइलें गायब करके जो पैसे थे जो कमाई होनी थी वो कमाई नहीं हो पाई और नगर निगम एक तरह से कंगाल हो गया। ये बात सही है क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने बकायदा लेटर लिखी थी तहसीलदार को कि ये नहीं जमीन बिकनी चाहिए क्योंकि उन्होंने बकायदा 24 करोड़ पे EDC लेनी है इसमें प्राप्त करनी है उन्होंने फिर भी इस प्रॉपर्टी को बेच दिया। और इसके अलावा इन्होंने हमने भी तहसीलदार को लिखा था कि ये प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल है हमारे पास बकायदा राइटिंग में तहसीलदार से कि ये प्रॉपर्टी इंडस्ट्रियल है और 7% इसमें 98 करोड़ रुपये पे स्टैंप ड्यूटी दी जाएगी तो इसमें स्टैंप ड्यूटी का भी चोरी की है और इन्होंने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की EDC के पैसे भी मांगे 30 करोड़ रुपए का नुकसान है। हाँ जी कौन सी तहसील में ये बदकल तहसील का।